बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, कि इन दोनों में लिखा है सोडा सोडा, इसका मतलब इन दोनों में पक्का होगा सोडियम। तो हमने सबसे पहले तो सोडियम लिख दिया, यहां पर भी हमने लिख दिया सोडियम, सबको समझ में आता है। इधर भी कार्बोनेट होता है, ठीक है, CO3 कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है, CO3 माइनस 2, तो पता होना चाहिए सोडियम आयन पे होता है Na+ और कार्बोनेट पे होता है CO3 माइनस 2। तो ट्रिक बता रहा हूं, बेकिंग किसमें काम आता है, बेक करना, यानी कि खाना बनाने में, फ्लफी केक बनाने में, क्योंकि यहां पर है माइनस का 2, ये है प्लस का 1, तो इसका प्लस का 1 चार्ज पूरा करना है, यहां पर हाइड्रोजन आएगा। लेकिन जहां पर वॉशिंग सोडा है वहां पर बाई नहीं लगाओगे, इन दैट केस यहां पर दो सोडियम लगेंगे Na2CO3, क्योंकि चार्ज बैलेंस करना है। लेकिन ये पूरा नहीं हुआ, यहां पर 10 वाटर के मॉलिक्यूल साथ आएंगे, आप लोगों को ध्यान रखना है। एनी आंसर क्या हुआ, NaHCO3, दैट्स ब्रिलियंट, आई रियली लाइक इट। और यहां पर Na2CO3.10H2O, ये फॉर्मूले हो गए।